सुप्रभात, आप सभी को स्वागत है आप सबका एक बार फिर से ओम प्रकाश फूडी चैनल में नए ब्लॉग नए सवेरे के साथ। तो आज हम आए हुए हैं रांची पहाड़ी मंदिर दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पर काफ़ी सारे प्रसाद के दुकान है, हमने यहाँ से प्रसाद लिया और पहाड़ी बाबा के दर्शन करने के लिए चल पड़े। ये मंदिर का मुख्य द्वार है, यहाँ से हम अंदर इंटर करेंगे। इंटर करते से ही गेट पर है काली माँ और भोले बाबा का मंदिर, यहाँ लोग दर्शन करते हैं और दर्शन करने के बाद ऊपर पहाड़ी बाबा के दर्शन के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तो हमने भी यहाँ दर्शन किया और हम ऊपर की ओर बढ़ दिए। ये रंग बिरंगी सीढ़ियों पर नंबर अंकित है जो बताती हैं कितनी सीढ़ियाँ हैं। लगभग 450 सीढ़ियाँ हैं ऊपर मंदिर तक जाते समय, और काफ़ी ये कलरफुल है, अच्छी दिखती है। तो अभी हम मंदिर परिसर की ओर बढ़ रहे हैं। काफ़ी सारे हरियाली है यहाँ पर, पहाड़ में काट कर ये रास्ता बनाया गया है मंदिर की ओर जाने के लिए, और ये पेड़ पौधे जो है दूसरे भाग में है पहाड़ के, तो बीचों बीच रास्ता है ऊपर जाने के लिए, और काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ का दृश्य काफ़ी अच्छा है, आप ज़रूर आए और यहाँ पर दर्शन करने, आपको भी काफ़ी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग्स ओम प्रकाश फूडीज। तो कैसे आप लोग, आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी फ्रेंड्स मैं जा रहा हूँ रांची के पहाड़ी मंदिर, और आज सुबह सुबह आया हूँ दर्शन करने पहाड़ी बाबा की। जय भोले बाबा। तो फ्रेंड्स काफ़ी सारी सीढ़ियाँ हैं जो यहाँ पर, लगभग 400 से अब सीढ़ी है जिसे चढ़ना पड़ता है, और काफ़ी लोग, आज सोमवार है तो आज भीड़ भी बहुत ज़्यादा है, तो काफ़ी लोग दर्शन करने के लिए आए हैं, तो हम भी जा रहे हैं दर्शन करने। तो चलिए आगे ज्वाइन करते हैं। तो थोड़े ऊपर आने पर यहाँ पर भी एक मंदिर है, यहाँ पर भी लोग दर्शन करते हैं और यहाँ दर्शन करके आगे की ओर बढ़ते हैं। काफ़ी लोग आते हैं, और ये देखिए यहाँ कुछ बच्चे फ़ोटो खिंचा रहे हैं, काफ़ी लोग हैप्पीली इंजॉय करते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है ये सब देखकर। तो हम अभी ऊपर की ओर बढ़ते हैं, और रास्ता उतना हार्ड नहीं है, आप आराम से जा सकते हैं। कहीं कहीं फ्लैट सरफेस है, कहीं कहीं सीढ़ियाँ हैं, तो चढ़ने में दिक्कत नहीं जाती है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर कुछ लोग रुक कर फ़ोटो भी खिंचवा रहे हैं और हम ऊपर बढ़ते हैं। जिन जो थक जाते हैं वो यहाँ बैठते हैं और कुछ देर रिलैक्स होकर फिर ऊपर की ओर चलते हैं। तो ये रंग बिरंगी सीढ़ियाँ देखकर भी काफ़ी अच्छा लगता है, ये हरियाली देखकर काफ़ी सुकून आँखों को मिलता है, और सुबह सुबह तो वातावरण काफ़ी अच्छा रहता है, तो काफ़ी ही सुंदर दृश्य देखने को आपको मिलेगा। चलिए ऊपर की ओर चलते हैं। लोग पूजा करके लौट भी रहे हैं, जा भी रहे हैं, और ये देखिए हम लगभग 350 सीढ़ी चढ़ चुके हैं, लगभग पहुंचने ही वाले हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा देर रुके, यहाँ पर भी व्यू का एंजॉय किए और काफ़ी अच्छा लगा। ये मेन मंदिर है जो आपको दिख रहा है, वाइट कलर का बिल्डिंग, और यहाँ पर एक स्तंभ है। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, ये सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद मेन मंदिर आ जाता है, तो ये अंतिम पड़ाव था। तो ये रहा मेन मंदिर दोस्तों, और यहाँ हम दर्शन करेंगे भोले बाबा का, पहाड़ी बाबा का। ये सीढ़ियाँ जो ऊपर लाइन लगे हुए हैं वो मंदिर, मेन मंदिर का है। कुछ लोग पूजा कर कर यहाँ रुके हैं, फ़ोटो खिंचा रहे हैं, काफ़ी अच्छा है। तो चलिए हम भी अब दर्शन करते हैं, मंदिर की ओर बढ़ते हैं।
ये सीढ़ियाँ ऊपर मंदिर की ओर जाती है। ये रहा भोले बाबा का मंदिर और शिवलिंग, तो काफ़ी लोग पूजा कर रहे हैं, तो आइए पूजा करते हैं, उसके बाद आपको ज्वाइन करते हैं। मंदिर के ऊपर से काफ़ी मनोहर दृश्य दिखता है, ये पूरा रांची शहर देखिए दिख रहा है, हम बहुत ही ऊंचाई पर हैं। यहाँ पर लोग पूजा कर कर नारियल यहाँ पर तोड़ते हैं और चढ़ाते हैं प्रसाद। मंदिर के अंदर अलाउ नहीं है नारियल तोड़ना, तो हमने भी यहाँ नारियल तोड़ा और प्रसाद चढ़ाया। तो पूजा करने के बाद यहाँ पर लोग 20 मिनट आधा घंटा रुकते हैं और रिलैक्स होते हैं, फैमिली के साथ आते हैं, एंजॉय करते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। हम भी यहाँ 20 मिनट रुकेंगे और रिलैक्स करेंगे। तो यहाँ सुबह सुबह आने पर काफ़ी अच्छा दर्शन हो जाता है, भीड़ कम रहती है, जैसे जैसे दिन चढ़ेगा भीड़ बढ़ जाती है। 8 बजे तक हम यहाँ आ गए थे, दर्शन अच्छे से हो गए पहाड़ी बाबा की और काफ़ी अच्छा लगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं रांची कितना ही अच्छा दिख रहा है, कितना ही मनोहर दृश्य है। सुबह सुबह का नज़ारा काफ़ी अच्छा दिख रहा है। वो रहा अपर लेक व्यू, जो काफ़ी ही बेहतरीन दिख रहा है। तो हम यहाँ रुकेंगे और ये व्यू को एंजॉय करेंगे। मिनट रुकने के बाद अब हम यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं। ये हमारी प्रसाद की टोकरी है और एक बार फिर से रांची के नज़ारे को निहारते हुए अब यहाँ से हम अलविदा होते हैं। तो चलिए चलते हैं, काफ़ी देर यहाँ रुक लिए हम। भीड़ देखिए बढ़ गया है काफ़ी, दिन चढ़ते ही यहाँ भीड़ बढ़ने लगता है। यहाँ पर जल का व्यवस्था है, आरओ लगा हुआ है पानी पीने के लिए। मंदिर में जल चढ़ाने के लिए आप यहाँ लोटा में पानी भरकर मंदिर में जल चढ़ा सकते हैं। यहाँ पर अगरबत्ती लोग जलाते हैं, अंदर अलाउ नहीं है जलाना। और यहाँ पर माता रानी का मंदिर है, दुर्गा माता का। आप यहाँ पहाड़ी बाबा का दर्शन के बाद यहाँ हम लोग पूजा करते हैं। बजरंग मल्ली का भी मंदिर ऊपर में है, वहाँ पर भी हम पूजा करते हैं, दर्शन करते हैं। तो काफ़ी अच्छा अनुभव रहा आज का, काफ़ी अच्छा से दर्शन हुआ। सुबह 8 बजे तक आप आ जाइए, काफ़ी अच्छा दर्शन होगा, उसके बाद भीड़ बढ़ने लगती है। तो अभी हम नीचे की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा लगा दर्शन करके। अभी भी लोग आ रहे हैं, तो दिन जैसे चढ़ते रहता है भीड़ फिर बढ़ जाता है। तो आप जितना कोशिश कीजिए सुबह आ जाइए, काफ़ी अच्छा दर्शन होगा। तो चलिए हम नीचे की ओर चलते हैं।
यहाँ पर कुछ लोग बैठ के फ़ोटो खिंचा रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं, कुछ लोग पूजा करके आ रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं। चढ़ते समय तो काफ़ी थकावट हो गई थी, पर उतरते समय पूरा रिलैक्स है, क्योंकि मंदिर जाते समय तो थकावट हो जाती है, लेकिन जब हम पहुंच जाते हैं तो सारी थकावट दूर हो जाती है और पूरा रिलैक्स हो जाते हैं। तो अभी मैं एकदम रिलैक्स होकर उतर रहा हूँ, कोई थकावट नहीं है और काफ़ी मन खुश है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर देखिए कुछ लोग बैठ के एंजॉय कर रहे हैं। तो मंदिर के गेट के पास यहाँ भोले बाबा और काली माँ का मंदिर है, यहाँ पर भी हमने दोबारा गोड़ लगा और उसके बाद यहाँ से हम इस मुख्य द्वार से बाहर की ओर चल दिए। तो अभी हम बाहर आ चुके हैं और ये हमारी गाड़ी खड़ी है एक्टिवा, यहाँ से हमने प्रसाद लिया था। काफ़ी सारे दुकान आपको यहाँ पर मिल जाएंगे प्रसाद के, मंदिर से रिलेटेड हर चीज़ आप यहाँ खरीद सकते हैं। तो हमने भी यहाँ से प्रसाद लिया था, भैया जी को बोला हमने कि एक पेड़े और पैक कर दो, पेड़े काफ़ी स्वादिष्ट थे। पूजा करने के बाद हम आए रांची के फेमस होटल पंजाब स्वीट्स में, जो कि मेन रोड में स्थित है। इतनी सारी मिठाइयाँ देख कर तो मेरी भूख बढ़ गई, हमने एक प्लेट छोला भटूरा ऑर्डर किया। तो ये रहा हमारा छोला भटूरा, जो देखिए काफ़ी ही साइज में कितना बड़ा फुला हुआ है। ये देखकर मेरी भूख और बढ़ गई और हमने फूड को एंजॉय किया। यकीन मानिए छोला भटूरा काफ़ी ही टेस्टी था। मंदिर दर्शन करके आ गया, काफ़ी ही अच्छा लगा। और आज सोमवार था तो अच्छा दिन था, अच्छे दिन दर्शन हो गए, भीड़ भी काफ़ी था तो काफ़ी मज़ा आया। आज सुबह सुबह गया था पहाड़ी मंदिर दर्शन करने, तो आए हुए मुझे फ्रेंड 2-4 घंटे हो भी गए और अभी 3 बज रहा है। तो उस समय मैंने छोले भटूरे खा लिए थे तो भूख नहीं लग रहा था, तो मैं थोड़ा सा अपना जो लैपटॉप पर कुछ काम था वो करने लगा, कंप्लीट किया उसे। तो फ्रेंड्स ये रहा मेरा दोपहर का लंच, और ये मैंने दाल चने दाल में डालकर गिलकी के साथ दाल बनाया था, और ये राइस है हल्दी वाली, और ये है धनिया पत्ता की हरी चटनी और हरी मिर्च। तो चलिए मैं लंच करता हूँ और थोड़ी देर में आपसे ज्वाइन होता हूँ, तो मिलते हैं फिर। अभी शाम हो चुका है और मम्मी और स्वीटी अभी थोड़ा देर में आरती करने वाले हैं, शाम को माता रानी का आरती होगा। और हम अभी बैठ चुके हैं अपने पूजा रूम के पास, आरती होता है तो आपको ज्वाइन करवाते हैं। और आज सुबह भी मैं पहाड़ी मंदिर गया था भोले बाबा का दर्शन करने, काफ़ी मज़ा आया। सोमवार का दिन था, काफ़ी अच्छा दिन था, और सुबह सुबह गया, काफ़ी अच्छा लगा, अच्छा से दर्शन करके घर आया। और अभी शाम में आरती होगा तो आपको ज्वाइन करवाते हैं। मम्मी तैयारी कर रही है पूजा के लिए शाम का, और रानी गई है मंदिर दिया जलाने, तो चलिए थोड़ी देर में आपको ज्वाइन करवाते हैं। ओके रानी, मंदिर से आगे दिया जलाकर, तो रानी आगे जलाकर भीड़ था? नहीं भीड़ नहीं रहता, भीड़ नहीं था, बहुत कम से दिखाता। अच्छा अच्छा से जलाई ना? हाँ, अच्छा जलाई। कितना दिया जलाई आज? दो को जलाई है, पेड़ पास आग दिया रहता है ना। अच्छा अच्छा, भगवान का नहीं रखा जाता। अच्छा अच्छा, गोड़ लग के अच्छा चाहिए ना। ठीक है, रेडी हो जाता आरती के लिए, आरती स्टार्ट हो गई है, आपको दिखाता हूँ। चंदन गिर मंद सोहे भाले,
का ब्लॉग यहीं तक था। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में अगले नए वीडियो के साथ। गुड नाइट। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। ओके बाय।